पता नहीं कि फ्लू के पेशेंट्स हैं, प्लस स्किन डिजीज हैं लोगों को, प्लस अभी जो ये पानी आगे जमा हुआ है, लोगों के खाने पीने का नहीं है, लोगों के घर के किचन जो है वो सारे पानी के अंदर डूबे हुए हैं। और ये खाली ये एरिया नहीं है, यूसुफ कोट है, आगे जितना जो खुदा की बस्ती है वहाँ पर भी ये हाल है, फोरके में भी ये हाल है। अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाएँ तो नॉर्थ कराची, न्यू कराची, उसमें भी ये हाल है, क्योंकि पानी का रेला है। लोगों की जमा पूंजी जो है पूरी लाइफ की वो डूब गई है, तबाह हो गई है, और लोग काफ़ी गम व गुस्से में है इस वक्त। गम व गुस्सा इस बात पे है कि ये जो है ये कुदरती आफत नहीं है, इसकी मेन वजह ये है कि हुकूमत ने अपना काम नहीं किया। अगर यहाँ पर ड्रेनेज होती, इस पूरे इलाके में ड्रेनेज ही नहीं है, अगर ड्रेनेज होती तो पानी घरों में नहीं जाता। अभी फौज ने आके ये सामने आप देखिए नाला बनाया है, तो इससे पानी जो है निकल के जा रहा है आगे मेन नाले के अंदर। अगर यही नाला पहले बना हुआ होता, बारिशों से 3 दिन पहले भी बना देते, तो ये आफत नहीं आती। इस आफत में इंसानों का, हमारे पॉलिटिशियंस का रोल है, इनकी वजह से आया। मुझे समझ में ये नहीं आता कि हम सब देख रहे हैं कि ये लोग लोगों को तकसीम कर रहे हैं, ये लोग लोगों को लड़ाना चाहते हैं, ये लोग सिंध कार्ड खेलना चाहते हैं और ये लोग महाजर कार्ड खेलना चाहते हैं। सो हमें इस वक्त अगर कौम को यूनाइट करना है, अगर हमने लोगों की खिदमत करनी है, तो जहाँ ये ट्रस्ट जो है ये एक मेडिकल कैंप लगा सकता है, तो क्या सिंध हुकूमत नहीं लगा सकती यहाँ पे? क्या सिंध हुकूमत जो 200 अरब रुपए का सालाना बजट खाती है, इनके पेट नहीं फटते कि ये चंद लाख रुपए लेके कुछ डॉक्टर्स को यहाँ बैठा दें, बच्चों को इमीडिएट कॉलरा का इलाज करा दें, लोगों को ये बता दें, एहतियाती तदाबीर बता दें कि गंदे पानी से कैसे बचना है, खाली फिटकरी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कितने पानी में कितना ब्लीच डालना है ताकि पानी के बैक्टीरियाज और वायरसेस मर जाएं, कितने पानी के अंदर क्लोरीन की टैबलेट्स डालनी है, किस तरह डालनी है, क्या ये नहीं कर सकते? ये सब काम हो सकता है अगर विल हो। इनकी नीयत ही नहीं है, इनकी नीयत है लोगों को मारना, इनकी नीयत है लोगों के जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उसको नुकसान पहुंचाना, ज़ाया करना और लोगों को लड़ाना। अल्लाह करे, अल्लाह ही पूछेगा इन लोगों को, हम अपने हिस्से का, अपनी मदद आपके तहत थोड़ा बहुत करें, कम से कम हम जवाब दे सकेंगे कि हमने अगर अपनी आंखों से देखा तो कम से कम थोड़ा सा जो हमारे हिस्से का था वो हमने कर दिया। ये लोग तो बिल्कुल ही, इनके दिलों पे जो है वो कालक आई हुई है, ये लोग, इनके दिलों में किसी किस्म का कोई दर्द नहीं है, ना इंसानों के लिए, ना अपनी कौम के लिए, ना अपनी धरती माँ के वासियों के लिए। ये छोटे लोग